हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर ब्लाउज में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और 9.5 इंच गले की लंबाई ली है। और ऐसे स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद हमें पान पान गले का शेप देना है। यही शेप हम कैनवास पर भी देंगे। कैनवास पेपर लेना है और जैसे हमने बैक पार्ट पर किया है वैसे ही कैनवास पर भी वही शेप देना है। 9.5 इंच गले की लंबाई लेनी है और पान गले का शेप दे देना है। ध्यान से देखिए किस तरीके से शेप दिया है। और फिर जो हमें पैचवर्क वाला जो डिज़ाइन बनाना है वो डिज़ाइन का हम शेप लगाएंगे। पहले एक रफ मार्किंग कर देंगे। हम पैच वाला ब्लाउज डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए मैंने कैसे शेप दिया है। ऐसे हमें शेप दे देना है, कैनवास पर ही हमें शेप देना है। और फिर वो कैनवास हमें ब्लाउज के कॉन्ट्रास्ट कलर पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हमें पूरा साइड से कट कर लेना है। कैनवास के माप से ही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है। फिर उसे बराबर सेंटर में रख कर हमें ऐसे पान गला स्टिचिंग कर देना है। कैनवास के बराबर साइड साइड से पान गला हमें सिल देना है और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखकर ऐसे कटिंग कर देना है। और जो कॉर्नर है वहाँ पे कट मार देना है। कट मारेंगे तो हमारा गला जब पलटी होगा तो अच्छे से पलटी हो जाएगा। ये देखिए गला ऐसे पलटी करते करते अभी हमें ऐसे सिलाई लगाना है। जो पान गला है अंदर का वहीं से हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें जो कैनवास किया है उसके साइड 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 से भी सिलाई लगाकर पैक कर देना है। ये देखिए पूरी तरह से पैक हो गया है। अभी उस पर हम एक लेस डालेंगे। अपनी पसंद के आप कोई भी लेस डाल सकते हैं। ऐसे लेस डालते जाना है और जहाँ भी कॉर्नर आए वहाँ पे फोल्ड करते करते लेस पूरे कैनवास के साइड साइड से लेस लगा देनी है। और फिर वैसे ही हमें अंदर की तरफ से भी एक लेस लगा देनी है। अंदर की तरफ से जो पान गला है वहाँ भी हम एक लेस लगा देंगे और ऐसे सुई धागे की मदद से ऐसे बटन लगा देंगे। ये हमारा पैचवर्क ब्लाउज रेडी हो गया। अभी मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ, फाइनल लुक। अगर मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।